कोई ऐसा है जिसके पास क्वेश्चन नहीं है बुक में? देखो क्वेश्चन पढ़ो, एक लघु अभियांत्रिक कारखाने में, ठीक है, समाप्त होने वाली अवधि में के निम्नलिखित विवरण एकत्रित किए गए। देखो प्रत्येक उत्पादन विभाग की विभागीय उपरिवेदर मानते हुए ज्ञात कीजिए कि उपरिवेय का अवशोषण प्रत्यक्ष पारिश्रमिक पर प्रतिशत के आधार पर होता है। इसका मतलब समझो, इधर देखो, कंप्यूट द डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट्स, ठीक है, ये डिपार्टमेंटल के ओवरहेड रेट्स कैलकुलेट करने हैं फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। किसके करने बोल रहा है? प्रोडक्शन के करने बोल रहा है। देखो उत्पादन विभाग के, प्रोडक्शन के करने बोल रहा है, और उसमें क्या बोल रहा है उसका, एज्यूमिंग दैट, यह एज्यूम करें, यह मानते हुए कि ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एज परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। जो भी ओवरहेड है, ओवरहेड का मतलब होता है खर्चे, एक्सपेंसेस, लिख लो कहीं पे, साथ साथ नोटिंग करते चलो। ओवरहेड का मतलब होता है एक्सपेंसेस, मतलब खर्चे। लिखा सबने? यस मैम। आगे देखो, ठीक है, ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एज परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो ये डायरेक्ट वेजेस, एक चीज और याद रखना, ओवरहेड जब देगा, बेटा सब ध्यान से सुनना, ये कॉस्ट दो टाइप की होगी, एक होगी डायरेक्ट कॉस्ट और एक होगी इनडायरेक्ट कॉस्ट, मतलब प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय कॉस्ट, ठीक है। तो जो डायरेक्ट कॉस्ट होगी उसका मतलब ये होता है ऐसी कॉस्ट जो हम बोल सकते हैं कि ये इसी चीज के लिए यूज हुई है डायरेक्टली। सपोज अगर शू मैन्युफैक्चरिंग का किसी का फर्म है जिसमें जूते बनते हैं ना, तो उसमें लेदर और उसका जो कपड़ा, उसमें जो शू लेस, ये डायरेक्ट कॉस्ट है। मतलब जो ऐसा खर्चा जो उस चीज के प्रोडक्शन में, मतलब उसके उत्पादन में डायरेक्टली लगा है। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा? ऐसा एक्सपेंस जिसमें ये बताना मुश्किल है कि वो उस पर्टिकुलर चीज में यूज हुआ कि नहीं। सपोज जहां पे शू मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है, वहां पे सॉक्स भी बन रहे हैं, ठीक है, मोजे भी बन रहे हैं, तो फैक्ट्री तो वही है। तो उस फैक्ट्री का जब अपन रेंट देते हैं, जब उसकी लाइट के खर्चे देते हैं, ये देखो यहाँ पे जो ये एक्सपेंसेस दिया है, ये रेंट, टैक्सेस, रिपेयर और मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, तो ये शूज से रिगार्डिंग है कि सॉक्स, मतलब जो मोजे बन रहे हैं उसके रिगार्डिंग है। तो जब कॉस्ट को डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा तो वो कॉस्ट कहलाती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। किसी को डाउट है यहाँ तक? बताओ मैम एक किसी को, और बात बता डेट जॉइन की। माइक म्यूट करो। हाँ, और किसी का भी म्यूट नहीं है, माइक म्यूट कर लो जल्दी से। हाँ देखो, ऐसी कॉस्ट जिसको बता सकते हैं कि ये इस पर्टिकुलर चीज के प्रोडक्शन में यूज हुई है, वो होगी डायरेक्ट। और जिसमें ये बताना मुश्किल है कि वो कौन से चीज में यूज हुई है, जैसे अपन ये देखो, ये जो अपन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, ये जो कल क्वेश्चन किया था, तो ये क्या था, पूरा एक साथ कॉस्ट दे दिया था और अपन उसको एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे या प्लांट वाइज। तो जिसमें बताना मुश्किल होता है कि कौन सी कॉस्ट किससे रिगार्डिंग है, तो वो जितनी भी कॉस्ट है वो हो जाती है इनडायरेक्ट कॉस्ट, अप्रत्यक्ष कर। और इनडायरेक्ट कॉस्ट को ही बोलते हैं ओवरहेड, याद रखना। ये देखो ओवरहेड लिखा है, ओवरहेड, हाँ ये उपरिव्यय बोलते हैं जिसको। अब देखो इसमें मोनिका, लता, कोई डाउट है? किसका क्वेश्चन था ये? शायद मेरे को नाम नहीं पता है, गजाला का था क्या डाउट?
डाउट नहीं था मैडम मेरा ये. किसका था क्वेश्चन ये वाला कि एक बार फिर से एक्सप्लेन करना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. चलो जिसका भी होगा. मेरा 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 मोनिका कोई डाउट है बेटा इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की मीनिंग में? नो मैम क्लियर. अब ये देखो तो डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट मटेरियल जिसमें डायरेक्ट वर्ड यूज किया ये डायरेक्ट कॉस्ट में आएगी. और ये देखो जो यहाँ पे ये मोटिव पावर लाइटनिंग पावर स्टोर्स ओवरहेड ये जो खर्चे बताना मुश्किल है कि ये किससे रिगार्डिंग है वो सब हो जाता है इनडायरेक्ट कॉस्ट. अब क्वेश्चन में बोला है कि जो भी ओवरहेड्स हैं ओवरहेड्स का मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट उसको किससे बेस पे डालना है डायरेक्ट वेजेस के परसेंटेज में डालना है. यानी ये जो डायरेक्ट वेजेस है इसके परसेंटेज में डालना है. तो फर्स्ट पॉइंट देखो ये देखो एक्सपेंसेस ये दिए गए हैं. फिर लास्ट में देखो सेवा विभाग ई के ये देखो ये सब एक्सपेंसेस फिर ये सेवा विभाग है ना सर्विस में ये डी है और ये ई है. तो ई के व्यय का विभाजन यानी जो ई है उसका जो किसके आधार पर करना है प्रत्यक्ष श्रम के मतलब डायरेक्ट वेजेस के. ठीक है मतलब जो ई के एक्सपेंसेस हैं उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है डायरेक्ट वेजेस के बेस पे. और उसके बाद क्या लिखा है जो डी है उसका कौन से रेशियो में करना है 5:3:2 में किसमें डिपार्टमेंट ए बी एंड सी में. पहले स्टार्ट सॉल्व करते हैं पहले फिर उसको बताती हूँ कि कैसे अपोर्शन करना है आप लोगों को. फर्स्ट पॉइंट देखो क्या दिया है मोटिव पावर लिखो पहले साथ साथ सॉल्व करते चलो. मोटिव पावर को किसमें लेते हैं ये देखो ये इलेक्ट्रिसिटी दिया है किलोवाट आवर पे के डब्ल्यू एच. क्या है इसका बेस बताओ 4:3:2:1:1 हुआ. टोटल अमाउंट किसका है कितना है देखो मोटिव पावर 550. तो 550 को डिवाइड करो रेशियो में कितना आएगा 11 है ये इसका पूरा टोटल 550 का. तो 550 को जब अगर डिवाइड कर दोगे 11 से तो कितना आएगा 55. तो 55 × 4 कितना होगा 220. 550 है कि कुछ और है वो 550. ठीक चलो सॉल्व करते जाओ जल्दी से मैम. 550 डिवाइड करेंगे 11 से तो 50 आएगा. 50 आएगा ओके यस मैम करो फिर. Yes, मैम 50 आएगा. हाँ तो 50 × 4 करो 200. फिर 3 से करोगे तो 150 हो जाएगा. 2 से करोगे तो 100. फिर सर्विस डिपार्टमेंट एक डी है और एक और बनेगा कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट रहेगा वो ई का. हाँ तो ई में कितना आएगा यहाँ पे 40 अमाउंट कितना दिया है लाइटनिंग पावर का देखो 100. रेशियो लेना आप लोग ये वाला है ना 10:16:4:6:4 करो कितना आएगा टोटल 40.
100 को डिवाइड करोगे 40 से, कैसे करोगे इसको, रेशियो को कम कर लो, है ना। तो रेशियो को अगर कम करोगे तो 2 से इसको डिवाइड कर दो रेशियो को, तो कैसे होगा देखो, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 8, 1 हो जाएगा 2, 1 हो जाएगा 3, और ये फिर से हो जाएगा 2। तो देखो 5:8:2:3:2 कितना हुआ ये 20 हुआ। 100 को डिवाइड करोगे 20 से, 5 आएगा, 5 यस मैम, है ना। अब 100 को डिवाइड करो, 5 × 5 इधर आ जाएगा 25, इधर आ जाएगा 40, यहाँ पे आ जाएगा 10, 15 और फिर से इधर आ जाएगा 10। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो थर्ड पॉइंट, लाइटनिंग पावर के बाद देखो स्टोर्स डालो, स्टोर्स ओवरहेड। स्टोर्स ओवरहेड को किस में डालोगे, ओवरहेड। देखो ओवरहेड लिख के दिया है ये HEAD ओवरहेड। यहाँ मैंने क्वेश्चन में बताया है कि ओवरहेड को किसके बेस पे डालना है, डायरेक्ट वेजेस। ये देखो स्टार्टिंग लाइन में ही दिया था, तो इसका बेस लोगे ओवरहेड का, डायरेक्ट वेजेस, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि उपरिव्यय को डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष मजदूरी के उस पे डालो। ये देखो प्रत्यक्ष पारिश्रमिक पर प्रतिशत के आधार पर होता है, तो डायरेक्ट वेजेस देखो कितना दिया आपको, एक सेकेंड, स्टोर्स का है तो मटेरियल पे डालना, एक सेकेंड, ये डायरेक्ट मटेरियल भी दिया है ना, हाँ स्टोर्स का मटेरियल पे डालना क्योंकि स्टोर में सामान रहता है। और एक और ओवरहेड है का, यहाँ ये जनरल ओवरहेड, इसको डायरेक्ट वेजेस पे डालेंगे। तो ये स्टोर ओवरहेड का कितना अमाउंट है देखो, 400 है, डिस्ट्रीब्यूट किया कितना अमाउंट आया बताओ, 400 को डिस्ट्रीब्यूट किया तो डायरेक्ट मटेरियल पे, रेशियो देखो 10:20:20:15:15 अगर करेंगे तो 5 से अगर मैं इसको करूं तो 5:2, ठीक है फिर से 2 हो जाएगा, 4:3:3। इस रेशियो में किसी को डाउट है कैलकुलेट करने में बताओ, स्टोर्स ओवरहेड का तो 400 को डिस्ट्रीब्यूट करो इसमें, कितना आया बताओ, 25 यस मैम, 25 आ रहा है। ये हो गया 50, फिर यहाँ पे हो जाएगा ये 100। माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो, 75 और यहाँ पे भी हो जाएगा ये 75। स्टोर्स ओवरहेड के बाद नेक्स्ट देखो, एमेनिटीज टू स्टाफ दिया है, स्टाफ का डालोगे नंबर ऑफ स्टाफ पे,
नंबर ऑफ स्टाफ देखो कितना दिया है, अमाउंट उसका दिया है 1500 दिया है, रेशियो देखो एमिनिटीज टू स्टाफ का, ये देखो नंबर ऑफ स्टाफ कहाँ गया, ये स्टाफ ये नंबर ऑफ स्टाफ का रेशियो देखो क्या है, रेशियो देखो यहाँ पे 10, 15, 15, 50, 50 है ना, तो इसको अगर मैं 50 के रेशियो से लूँ तो 15 into 2 फिर 3 फिर से 3 फिर 1:1 ये हो जाएगा 10 का रेशियो 1500 को अगर डिवाइड करूंगी 10 से तो हो जाएगा अपना 150 है ना, तो 150 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे 300, इधर हो जाएगा 450 फिर से 450 फिर हो जाएगा अपना 150 और 150। एमिनिटीज के बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो डेप्रिसिएशन दिया है, डेप्रिसिएशन को किस पे डालते हैं, वैल्यू ऑफ एसेट्स पे, अमाउंट देखो डेप्रिसिएशन का दिया है 15,000, वैल्यू ऑफ प्लांट है ना एसेट्स वैल्यू पे देखो 60, 40, 30, 10, 10 सॉरी है ना, तो 6:4:3:1:1 हो जाएगा यहाँ पे 6:4:3:2:1 टोटल कितना हुआ 10, 16 है ना, है यही आ रहा है। यस मैम। तो ये देखो 15 है ये 15,000 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूंगी तो 1000 हो जाएगा, तो 1000 into 6 हो जाएगा 6000, यहाँ हो जाएगा 4000 फिर हो जाएगा 3000, 1000 और फिर से 1000 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे डेप्रिसिएशन के बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस देखो, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को किस पे देंगे, वैल्यू ऑफ एसेट्स पे ही देंगे, अमाउंट कितना दिया है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का 3000, 3000 को डिवाइड करोगे किससे, ये देखो सेम रेशियो आएगा 6:4:3:1 सेम, क्योंकि प्लांट पे ले रहे हैं अपन। चलो कैलकुलेट करके वैल्यू बताते जाओ मेरे को जल्दी से सब। आ रहे हैं सबका यही, रिपेयर्स के बाद देखो इसमें जनरल ओवरहेड, फिर से ओवरहेड है तो उसको ओ डॉट एच लिख रही हूं, इसको दूंगी मैं वेजेस पे, स्टोर्स था इसलिए मटेरियल पे दी थी, जनरल ओवरहेड है तो इसको डायरेक्ट वेजेस पे देंगे। डायरेक्ट वेजेस ये देखो 2:3:4:1:2 समझ में आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चन। अमाउंट कितना है देखो डायरेक्ट वेजेस जनरल ओवरहेड का 6000, पहले बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है आज क्लास में।
मैम इसमें ए का 1000 आ रहा है, बी का 1500 आ रहा है, सी का 2000 आ रहा है, डी का 500 आ रहा है, ई का 1000 आ रहा है। ई का 1000, ओके। आगे इसमें देखो जनरल ओवरहेड की बात क्या दिया है, रेंट एंड टैक्सेस। किस पे लेंगे रेंट एंड टैक्सेस को, एरिया पे लेंगे। अमाउंट देखो कितना दिया है इसका, 275। एरिया पे क्या रेशियो बन रहा है देखो, ये 15-25-50 यानी 3-5-1:1:1, 3-5-1:1:1। कितना आ रहा है आंसर देखो, 275 का। नाइन्थ पॉइंट देखो, ये रेंट एंड टैक्सेस तक हो गया। कल क्या किए थे अपन, जो डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट दिया था और मटेरियल का अमाउंट जो ऊपर दिया रहता है इसका, ये जो सर्विस का रहेगा इसको किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रोडक्शन में देंगे कि नहीं देंगे, कल किसमें दिया था बताओ। यहाँ देखो शीट में ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ये जो वेजेस वाला पॉइंट था, ये देखो ये वेजेस वाले अमाउंट को, ये जो टोटल वेज दिया था ये 1000 वाला, ये कहाँ एलोकेट किया था देखो, इसमें सर्विस में दिया था कि नहीं दिया था देखो कल। यस मैम सेम करो ऐसे। यस मैम सेम करो वेजेस, ये जो डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल है इसको करो। डायरेक्ट वेजेस को लो, क्या लोगे देखो, किसमें दोगे, डी और ई में। तो वेजेस का कितना अमाउंट देखो, 1000 और 2000, यहाँ लोगे 1000 और यहाँ कितना लोगे 2000। आ रहे समझ में कहाँ से आया, yes, ma'am. अब नाइन के बाद नेक्स्ट देखो, सेम मटेरियल को दो। सेम मटेरियल को दो, ये मैं वेजेस को 10th कर देती हूँ, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग 9th कर लो। मैंने एक शिफ्ट ऊपर सेल एक ऊपर कर दिए, ठीक है। यहाँ दो डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल देखो कितना दिया है, यहाँ पे देखो 1500 और 1500, तो इधर आ जाएगा टोटल में 3000 और इधर भी आ जाएगा 3000। आया यहां तक समझ में, यस मैम। अब जल्दी से इसका टोटल करो, दो लाइन और करनी है ना, जल्दी से टोटल करो इसका,
देखो ये एक अगर टोटल करते हो तो कितना आएगा, ये 200 वाला, ये वाले का टोटल है 8850 आएगा। आप लोग क्रॉस चेक करते जाओ, मैं अमाउंट फिल करते जा रही हूँ, सब क्रॉस चेक करो। एक इंसान ए करेगा, एक बी, एक सी करेगा, एक डी और एक ई करेगा, जल्दी से करो क्रॉस चेक। यस मैम, ए का इतना ही आ रहा है, 8850। 8850 आ रहा है, ठीक है। बाकी किसने यस किया? मैम। अब इधर देखो, ये तो क्वेश्चन यहां तक हुआ, आगे नेक्स्ट देखो जल्दी से। ये लास्ट लाइन देखो, अपॉर्शन द एक्सपेंसेस, ये एक्स्ट्रा देखो, सर्विस डिपार्टमेंट ई, ये जो ई के जो अमाउंट है, यानी 6010 आया है ना, ये ई का जो अमाउंट 6010 आया, इसमें देखो इसको क्या करने बोल रहा है, ये देखो इसको डायरेक्ट वेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस पे? डायरेक्ट वेजेस, प्रत्यक्ष श्रम के आधार पर ई का। तो ये ई का 6010 इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके बेस पे? डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस देखो ऊपर है, किस में डालेंगे? प्रोडक्शन में देंगे। याद रखना, जब ऐसे हो जाता है यहां तक होता है प्राइमरी, अब इसके बाद ये सेकेंडरी करना है। अब देखो ई को बोलता है इसमें डालो, डायरेक्ट वेजेस के बेस पे, तो डायरेक्ट वेजेस का निकालो। और देखो डी का किस पे करने बोलता है? 5:3:2 पे। तो जल्दी से पहले ये डी का करो, सर्विस डिपार्टमेंट का डी का है ना, रेशियो दिया है 5:3:2। अमाउंट देखो कितना दिया है डी का, 4515 को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करो, 4515 को डिस्ट्रीब्यूट करो जल्दी से 5:3:2 में। देखो मीटिंग कभी भी लेफ्ट हो जाएगी तो अपन कल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी मेरे को जल्दी से बताओ, 4515 को अगर डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आएगा? 451.5, और इंटू करूंगी मैं 5 से तो आ जाएगा 2257। आया किसी का? यस मैम, 2257.5। इधर आ जाएगा 1355।